भिवंडी पूर्व के समाजवादी पार्टी के आमदार रईस कासम शेख, आज उनका 1 जून को जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में भिवंडी शहर के अलग अलग इलाकों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं जन्मदिन के मौके पर देर शाम भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल में कई दिनों से ऑपरेशन थिएटर, जो कि या तो बंद पड़ा था या फिर वहां पर उपकरण नहीं थे, यानी पहले से ही इंदिरा गांधी अस्पताल में 3 ऑपरेशन थिएटर थे लेकिन शायद ही किसी काम के नहीं थे, और अब ये 2 और ऑपरेशन थिएटर मिलाकर इंदिरा गांधी अस्पताल में टोटल 5 ऑपरेशन थिएटर हो जाएंगे, जो कि पूरी तरह से अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इस ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन आज शाम भिवंडी शहर के भंडारी कंपाउंड के रहने वाले रहमान खान, जिसकी नियुक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना में हुई है, उसके हाथों से ही ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया गया। भारतीय थल सेना में नियुक्ति मिलने के बाद रहमान खान और उनके 5 से 6 दोस्त, जो भारतीय सेना में हैं और छुट्टियां मनाने घर आए हैं, उनका भी आमदार रईस शेख ने फूल माला देकर सत्कार किया। इस मौके पर खुद समाजवादी पार्टी के आमदार रईस शेख, समाजवादी पार्टी के भिवंडी सचिव जावेद अंसारी, समाजवादी पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष रियाज आजमी और बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस ऑपरेशन थिएटर के उद्घाटन के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आमदार रईस शेख ने क्या कहा, वो सुनते हैं। साथ हमारे शहर के आप अगर देखेंगे तो सारे जवान हैं जो भारतीय सेना में हैं, मैंने सोचा कि वो भी यहाँ आए हुए हैं तो उनको ये फैसिलिटी दिखाई जाए और ये फैसिलिटीज़ लोगों के लिए ओपन किया जाए। IGM में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ऑपरेशन थिएटर की, आज हमारे पास 3, एक तो पूरा कंप्लीट मॉड्यूलर है और 3 मॉड्यूलर OT, यानी कि 4 मॉड्यूलर OT हमारे पास कंप्लीट आ गए, 3 है और 2 हमारे पास रेगुलर OT है, यानी एक बड़ी सुविधाएँ आई है। अभी आप ICU भी देखेंगे, वार्ड्स का भी काम चालू है, IGM में लगातार इम्प्रूवमेंट चालू है, पब्लिक से भी मैंने बात किया, लोग खुश हैं और ये एक मुसलसल यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस है इम्प्रूवमेंट का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी थी कि ऑपरेशन नहीं हो पा रहे थे, मंडे से यहाँ पे ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, क्लीनिंग प्रोसेस चालू है, उसी लिए आज हम लोग आए हैं। ऑपरेशन के लिए स्टाफ अवेलेबल है? बिल्कुल, खुद डॉक्टर साहब यहाँ पे। IGM में हमेशा देखा गया कि मैन पावर की कमी रहती है, मतलब जो स्टाफ रहते हैं नर्सिंग के बोलो या तो फिर ऑपरेटर बोलो किसी भी चीज़ के लिए, तो उस चीज़ को कैसे, उस कमी को कैसे। IGM की बुनियादी प्रॉब्लम क्या थी कि IGM को सिर्फ कागज़ पे बोल दिया गया था कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसकी ज़मीन के ऊपर PR कार्ड पे IGM का नाम नहीं था, सरकार के साथ कोई पेपर वर्क नहीं था, उसके बाद ये 200 बेड है, इसका PWD से सर्टिफिकेट नहीं था, तो ये 2 साल में हमने ये सब पेपर वर्क किया, TLR से पेपर्स लिए, PR कार्ड पे नाम चढ़ाया, अभी फाइल हमारे गवर्नमेंट आर्किटेक्ट के पास है, ये 200 बेड का सर्टिफिकेशन आएगा, एक बार सरकार सर्टिफाई करती है कि 200 बेड का है तो 200 बेड का स्टाफ आएगा। मैं उस बारे में आप थोड़ा सा बताइए, उस हॉस्पिटल को आपके ज़रिए वार्निंग दे रहा हूँ, मैंने मोरे साहब से भी बात की है और मैं कहूँगा कि अगर भिवंडी की गरीब आवाम से कोई लूटने का काम करेगा वो हॉस्पिटल ये हरकत बंद कर दे, मेरे तक ये शिकायत आई है, वरना उसका वो हाल होगा जो सरकार में सबसे सख्त सख्त कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी। मुझे ये बात मालूम पड़ी है, आपकी बात सही है, वो हॉस्पिटल का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उसने ये हरकत बंद नहीं की तो पब्लिकली उसका नाम लिया जाएगा। आप कोई भी, आपसे गुजारिश है सभी से कि ये तकरार यानी शिकायत लिखित तौर से हमारे तक दीजिए। प्रॉब्लम होता है मैं जब कार्रवाई करने जाता हूँ मुझे लिखित तकरार नहीं रहती, यानी शिकायत नहीं रहती है, बच जाते हैं। आप लोग प्लीज शिकायत मुझ तक कीजिए, मुझ तक जितनी शिकायतें आई है मैंने उस पर कार्रवाई की है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।